रानी, हमारी पुत्री कुछ उदास रहती है और वो हर समय शिवलिंग की पूजा में विलीन रहती है। पुत्री, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। कहिए कैसे आना हुआ? क्या बात है पुत्री, बाल्य अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक हम तुम्हें उदास ही देखते आ रहे हैं। तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें बतलाओ पुत्री। हाँ पुत्री, तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें बताओ। नहीं पिताश्री, मुझे आपके आशीर्वाद से कोई दुख नहीं है, परंतु मैं अपने आराध्य देव भोलेनाथ के दर्शनों के लिए बेचैन हूँ। प्रणाम वृंदे। खुश हो राजा, किस चिंता में डूबे हुए राजा? आप ठीक समय पर आए वृंदे। हमारी चिंता का विषय सिर्फ हमारी पुत्री पार्वती है। पुत्री पार्वती? हाँ ब्रह्मदेव, हमारी पुत्री पार्वती ने वन में जाने का निश्चय कर दिया है। वो अपने आराध्य देव शिव की आराधना के लिए वन में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अति उत्तम, अति उत्तम। राजन, इसी में पार्वती की भलाई है। क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव आप? हाँ राजन, हाँ, इसी में पार्वती की भलाई है। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्री। प्रणाम माते। पुत्री, तुम्हें क्या चिंता है, हमें बताओ। माते, कृपा करके मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आइए ऋषिगण, बड़े उचित समय पर आए हैं। पार्वती नाम की एक कन्या हमारी तपस्या में लीन है। कृपया ये ज्ञात करके सूचना दीजिए कि उसकी तपस्या सच्ची है अथवा एक ढोंग है। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रणाम ऋषिगण, कहो कैसे आना हुआ? मालिके, अब देखने में तो कोई राजकुमार या देवी लग रही है, फिर आप यह कठिन तपस्या किस मनोरथ की पूर्ति के लिए कर रही हैं? मैं ये तपस्या महाराज शिव को पाने के लिए कर रही हूँ। देवी, आप यह क्या करने जा रही हैं? उस शिव का जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं, आप उसे पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है? दलंग है, हर समय भंग पीकर धुत रहते हैं, न तो उनके रहने का कोई ठिकाना है, न कोई खाने पीने का। आप उनकी तपस्या करने जा रही हैं, उन्हें पाने की कोशिश कर रही हैं। देवी, ये ठीक नहीं। ये आप क्या कह रहे हो ऋषिगण? आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? मेरे शिव के बारे में, मेरे भोले के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हो? चले जाओ यहाँ से और मेरी तपस्या को भंग ना करो। जो सत्य था वो हमने आपको बता दिया देवी, आगे आपकी इच्छा। नारायण 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 नारायण, आप धन्य है देवी। नारायण 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 नारायण, जय भोलेनाथ की। आइए मुनिवर। नारायण नारायण, लगता है कोई खास संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि आप जब भी आते हैं कोई विशेष संदेश ही लेकर आते हैं। विशेष? प्रभु, विशेष से भी अधिक विशेष, एक बालिका पृथ्वी लोक पर आपकी
घोर तपस्या कर रही है। आज के समय में उससे बढ़कर आपकी भक्त कोई नहीं है प्रभु। नारायण नारायण। नाम पार्वती शैल कुमारी, नाम पार्वती शैल कुमारी, तन पति बनाना चाहवे से शिव शंकर डमरुवाड़े, तन पति बनाना चाहवे से शिव शंकर डमरुवाड़े। राज महल तज आ गए बण में, गात सुखा लिया धूण तपण में, राज महल तज आ गए बण में, गात सुखा लिया धूण तपण में, तन रट रट राम बुलावे से शिव शंकर डमरुवाड़े, तन रट रट राम बुलावे से शिव शंकर डमरुवाड़े। केश उसका भगमा बाणा, ओम शिव धूण लगाना, खुले केश उसका भगमा बाणा, ओम शिव धूण लगाना, करे याद वो नैन बहावे से शिव शंकर डमरुवाड़े, कर याद वो नैन बहावे से शिव शंकर डमरुवाड़े। हर हर महादेव, बम बम महादेव, हर हर महादेव, जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। आइए मुनिगण, बताइए उस कन्या की तपस्या सत्य है या एक ढोंग है? बिल्कुल सत्य है महाराज, एकदम सत्य है भोलेनाथ। ठीक है ऋषिगण, हम स्वयं जाएंगे और उस कन्या से मिलेंगे। कल्याण मंदिरी, कि आप इतना कठिन तप किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि जप, तप और वैराग्य ये सब चाहत का परिणाम है और प्रेम का स्वरूप है, और मैं ये सब कुछ भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। अति उत्तम देवी, पिछले संस्कार चाहत बन जाते हैं, जन्म भोगों का कारण है, चिंतन चेतन है, विवेक स्वरूप है, विचार करके कदम उठाना चाहिए। अर्थात आज बीते हुए कल का परिणाम और आने वाले कल का निर्माण है, अतः विवेक से आज को व्यतीत करना उचित है। हे ब्रह्मा देव, हमने सुना है कि आत्म समर्पण करने के बाद खुद और खुदी रह ही नहीं जाते, उसके हर परिणाम की जिम्मेदारी उसी की हो जाती है जिसको हमने आत्मसमर्पण किया है। सत्य है, सत्य है, बम बम सत्य है। प्रभु प्रभु, स्वामी स्वामी, आप अपना असली रूप दिखलाएं, दासी को अपनाएं, हमने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे आराध्य शिव हैं। उठो देवी, हमने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। हे देवी, ये क्या सोचा आपने? मैं तो फक्कर हूँ, वनों में घूमता हूँ, पहाड़ों पे घूमता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो शमशानों में रहता हूँ और भस्म लपेटे रहता हूँ। आप एक राजकन्या हैं, आप मेरे साथ निर्वाह नहीं कर पाएंगी।
नहीं भोलेनाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मेरी बात सुनो। मन चाही मौज करूं मेरे मत खाले गोरा फांसी, मेरे साथ मैं प्यार करवा ले सुख पावे शिव कैलासी। मैं मन चाही मौज करूं मेरे मत खाले गोरा फांसी। मार्ग कौन खोजता जो ना होते हम तपधारी, सबसे ऊंचा धर्म बताया ग्रस्त आश्रम घर बारी। मोक्ष का मार्ग कौन खोजता जो ना होते हम तपधारी। तृष्णा रोग लाग जातन में रह आत्मा सदा प्यासी। कान काट ले बहका के बिना ठिकाने फिरे मलंगा दुनिया में धक्के खाते। माया रूप नार हो नागण कान काट ले बहका के। नारी बिन वो आप अधूरा, नारी बिन वो आप अधूरा, गचन हार घट घट वासी। भस्म छोड़ जो राख रमालू जगत करे मेरी हासी। समाधि लगे जहाँ वहाँ ढोल बजाना ना चाहिए। शरण पड़े को शिव भोले जी कदे ठुकराना ना चाहिए। मौन समाधि लगे जहाँ वहाँ ढोल बजाना ना चाहिए। अग्नि के संग नहीं मिली कदे गोरा सुन जल की राशि। बता कैसा तोड़ा कोई एकला नहीं जगत में सब क्या एका से जोड़ा। मन को मार रहे मस्ती में फिर बता कैसा तोड़ा। नाथ निरंजन है दुख भंजन, नाथ निरंजन है दुख भंजन।
किशन रट ओम नाम खा मीठा फल बारा मासी मैं मन चाही मौज करूं मेरे मत खाले गोरा फांसी। ठीक है देवी, जब आपको स्वीकार है तो हमें कब इनकार है। प्रभु आपने हमें धन्य कर दिया। रानी मैना। हाँ महाराज। पता नहीं पुत्री घनघोर जंगल में किस हाल में होगी। हमारे फूल से पुत्री और वो एक घनघोर जंगल। महाराज आप दुखी ना हुए। हे राजन। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। चिंता छोड़िए और कन्या पार्वती के विवाह की तैयारियां कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान शिव व पार्वती के विवाह लगन पत्रिका लेकर भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। शंकर भगवान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे होया ढूंढ ढूंढ हैरान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे मेरे शिव शंकर भगवान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे हुआ ढूंढ ढूंढ हैरान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। सुना वो मिले गंगा किनारे शिव मेला लगा रे हमने सुना वो मिले गंगा किनारे शिव मेला लगा रे कर भक्तों के एहसान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे शिव शंकर भगवान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे हुआ ढूंढ ढूंढ हैरान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। सुना वो गए हैं काशी कटन भक्तों की फांसी हमने सुना वो गए हैं काशी कटन भक्तों की फांसी देने मोक्ष वरदान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे शिव शंकर भगवान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे हुआ ढूंढ ढूंढ हैरान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। हमने सुना वो गए गोकुल नगरिया बजे मीठी बांसुरिया हमने सुना वो गए गोकुल नगरिया बजे मीठी बांसुरिया वो तो सुन सुन हुए कुर्बान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे शिव शंकर भगवान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे हुआ ढूंढ ढूंढ हैरान भोले बाबा कहाँ मिलेंगे।
हमने सुना वो गए कीर्तन सुनन को, कीर्तन सुनन भक्तों से मिलन को। हमने सुना वो गए कीर्तन सुनन को, कीर्तन सुनन भक्तों से मिलन को। करो राम किशन गुणगान, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे मेरे शिव शंकर भगवान, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। बुआ ढूंढ ढूंढ हैरान, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे मेरे शिव शंकर भगवान, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। बुआ ढूंढ ढूंढ हैरान, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपके चरण कमल से यह शिवलोक धन्य हो गया, कहिए कैसे पधारना हुआ। हम आपके लिए भोलेनाथ अति शुभ समाचार लेकर आए हैं। हम हिमाचल नगरी से आए हैं, वहां की राजकुमारी पार्वती और आपके विवाह का शुभ संदेश लेकर आए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। अरे वीरभद्र। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम ब्रह्मदेव। देखो ब्रह्मा जी कितना शुभ संदेश लेकर आए हैं। हिमाचल की राजकुमारी पार्वती का विवाह हमारे साथ तय हुआ है, जाओ तीन लोकों में ये समाचार पहुंचा दो। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी का समाचार है भोलेनाथ। जय श्री आगे बोलना। प्यार चावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, मारा भोला प्यार चावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, हमने बड़ा आनंद सा आवेगा। लगेगी और बटना लगेगा, खूब सजेगा भोला खूब सजेगा। हल्दी लगेगी और बटना लगेगा, खूब सजेगा भोला खूब सजेगा। जब दूल्हा बन के जावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, मारा भोला प्यार जावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, हमने बड़ा आनंद सा आवेगा। वेद बोलेंगे ऊंची वाणी, रीति सीधि भरेंगी पानी। वेद बोलेंगे ऊंची वाणी, रीति सीधि भरेंगी पानी। स्वर्ग वहां बस जावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, मारा भोला प्यार जावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा, हमने बड़ा आनंद सा आवेगा।
चौसठ योगिनी मंगल गावे पावन भैरव खड़ताल बजावे बाबा भोला डमरू बजावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा मारा भोला प्यार जावेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा हमने बड़ा आनंद सा आवेगा क्या बात है राजन, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम चिंतित बैठी हो, क्या बात है? महाराज, यह कोई विवाह है? यह तो घोर अनर्थ है। आपने दूल्हे राजा देखे हैं? क्या वो हमारी पुत्री के योग्य हैं? क्या कमी है हमारे दूल्हे राजा में? कमी? दूल्हे राजा की बारात देखकर ही हमने ये जान लिया था इनकी खूबियां क्या है। रानी ना, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उठो राजन, क्यों विलंब कर रहे हो? विवाह की तैयारियां करो। We'll be right back.
सदा सुहागिनी हो।